एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। लास्ट वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड आउट करना सीखा। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि वैल्यू एडेड मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस निकलता है, विच इज़ इक्वल्स टू GDP एट MP। इनकम मेथड से आप क्या निकालोगे? इनकम मेथड से आपका निकलेगा NDP एट FC। ठीक है, इनकम मेथड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, मतलब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपकी कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी जो इनकम होती है वो, उसके थ्रू आप नेशनल इनकम किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अभी इनकम मेथड जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हो और फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हो। ठीक है, अभी इनकम मेथड के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इनकम मेथड में इंक्लूड होती है, मतलब किस किस तरह की आपकी इनकम होती है नॉर्मल रेजिडेंट्स की, किस टाइप्स की इनकम होती है जिसको आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो, तो वो कंपोनेंट्स में बताया गया है। सबसे पहला है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कौन सा आता है? सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन, ठीक है, जिसको COE न्यूमेरिकल में हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा अमाउंट है? इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर रेंडरिंग दे, मतलब ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी और वेजेस और एनी काइंड। ठीक है, दूसरा है इट इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट एंड, ये मतलब एम्प्लॉयज़ की सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम को इंक्लूड करता है। ठीक है, इसके भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के भी 3 एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या है? वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश। वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश का मतलब क्या है कि जब आपने एज अ एम्प्लॉय किसी फर्म में काम किया तो जो आपको इनकम मिली, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, तो वो आपका वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश में इंक्लूड हो गया। सेकंड क्या है? वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड। कई बार आप देखते हो कि आपको कैश के अलावा भी अदर फॉर्म में भी इनकम मिलती है, ठीक है, जैसे आपके आने जाने का एक्सपेंस फॉर्म बियर करती है, ठीक है, आपको फ्री में रहने के लिए फ्लैट दे दिया गया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ चार्जेस आपकी सैलरी से जाता है। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया कि एक तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मिला, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड मतलब कैश के अलावा अदर फॉर्म में जो आपको मिला। तीसरा है एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब एम्प्लॉयर्स ने जो, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हमारे लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, जैसे हमारी सैलरी का कुछ पोर्शन कंपनी वाले फॉर्म वाले क्या करते हैं, कट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ PF की, PF का शेयर है, ठीक है, वो बाद में आपको रिटायरमेंट पेंशन के बाद मिला या बाद में जब भी आप अपना PF लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो होता तो हमारी ही इनकम का पार्ट है ना, वो फ्री में तो हमको मुफ्त सर्विस नहीं मिलती है, हमने वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की तो उसका ही फॉर्म, मतलब उस सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से ही वो हमको मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। क्वेश्चन में क्या होता है, 12th में हो डायरेक्ट तो कुछ चीज़ नहीं होगी, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी बहुत रेयर केस में आपको डायरेक्ट गिवन होगा, अदरवाइज इन ये 3 आइटम होंगे, तो इन तीनों आइटम को आप ऐड करोगे विच इज़ इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ, इसके जो कंपोनेंट्स हैं आपके इनकम मेथड के, तो दूसरा क्या है आपका रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट के बारे में आप सबको पता है कि रेंट क्या होता है, ठीक है, रेंट मतलब क्या? वो अमाउंट जो आप रिसीव करते हो अपनी किसी एसेट के बदले में, ठीक है, जैसे क्या हुआ यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कोई लैंडलॉर्ड है, उसने टीनेंट वगैरह को, जो लैंडलेस फार्मर वगैरह है उनको अपना लैंड दे रखा था काम करने के लिए, उसके बदले में जो अमाउंट रिसीव किया लैंडलॉर्ड ने वो रेंट हो गया, वो भी एक तरीके की इनकम है। इनकम ज़रूरी तो थोड़ी, ज़रूरी नहीं है इनकम कि आप जो अर्न करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगे सिर्फ वही इनकम होगा, आपने यहाँ पे रेंट दिया, रेंट के बदले में भी तो आपको पैसा मिलेगा ना, मतलब सॉरी रेंट पर अपनी लैंड दी उसके बदले में जो अमाउंट मिला वो भी आपका इनकम ही है। ठीक है, दूसरा है रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी मतलब होता है, देखो ब्रैकेट में है, पेमेंट फॉर यूजिंग माय नेम ऑन देयर प्रोडक्ट, कोई आपका नेम यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ आती है रॉयल्टी, उसके बदले में कोई आपकी गुडविल यूज़ कर रहा है, आपका नेम फेम यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट पे, तो उसके बदले में भी वो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता है, तो वो ठीक है, उसके वो भी एक इनकम का ही पार्ट है।
तीसरा आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है जब आप किसी भी फर्म को या किसी को भी लोन वगैरह प्रोवाइड करते हो, वो लोन वगैरह देते हो और उसके बदले में आपको जो अमाउंट मिलता है, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट का पार्ट होता है, वो भी एक तरह की इनकम है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट वो रिवार्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो उसको गुड्स और सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन के बदले में मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होते हैं, प्रॉफिट भी इंटरप्राइजेस के जो प्रॉफिट होते हैं वो भी देखो आपके तीन पार्ट में है। कॉरपोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया और रिटेन अर्निंग हो गया, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स को प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। डिविडेंड, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है, जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। और रिटेन अर्निंग सेविंग्स होती है एक तरीके की, ठीक है, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है, रिजर्व सरप्लस भी बोला जाता है, ठीक है। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होगा अगर, तो आप वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड और एम्प्लॉय सिक्योरिटी वाला ऐड करोगे, वैसे ही यहाँ पे अगर प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं होगा तो आप इन तीनों को, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या चीज़ आती है? इट रेफर्स टू द इनकम। ये वो इनकम होती है जो वर्कर्स अपने आप ही जनरेट करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इनकम में मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन छोटे मोटे जो हो गए फार्मर्स, कॉबलर, छोटे मोटे शॉपकीपर, ठीक है, इन लोगों की जो इनकम्स होती हैं वो सारी मिक्स्ड इनकम में आती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि हमने ये सब तो देख लिया, अब क्या है, अब कुछ स्टेप्स है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए कि नेशनल इनकम आप किस तरीके से इनकम मेथड के थ्रू फाइंड आउट करोगे। तो इनकम मेथड के थ्रू देखो, इनकम मेथड स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इनकम मेथड यूज करके आप क्या फाइंड करते हो, NDPA टैक्सी डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम फाइंड करोगे। डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या करना है आपको, जो आपने 5 कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे उन 5 कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। NDPA-TFC चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन 5 आइटम्स को आप ऐड कर दोगे। उसके बाद अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आप वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ऐड करोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीनों आइटम को ऐड करोगे। दूसरा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर डायरेक्ट गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग, इनको ऐड कर दोगे, बाकी चीज़ें डायरेक्ट गिवन होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी गिवन है और ये तीनों भी पार्ट गिवन है, तो आप इन तीनों को इग्नोर करोगे, सिर्फ और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ही लोगे, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूले में डायरेक्ट आइटम्स गिवन है, डायरेक्ट 5 कॉम्पोनेंट्स है, उन कॉम्पोनेंट्स को ही आप डायरेक्टली लोगे, इनको आप इग्नोर करोगे, ठीक है। सपोज प्रॉफिट का ये तीनों आइटम, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स को पूरी तरीके से इग्नोर करोगे, डायरेक्ट प्रॉफिट लोगे। ये तो आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। एक चीज़ है रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। इन तीनों आइटम को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। जब आप रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको ये सारे आइटम, 5 आइटम गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड करोगे, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करोगे, फिर प्रॉफिट, फिर मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को इग्नोर कर दोगे क्योंकि इन तीनों के सम से ही ऑपरेटिंग सरप्लस बना है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सरप्लस को देंगे, इन तीनों को इग्नोर करेंगे, क्लियर। इससे हमारा क्या आएगा, इससे हमारा आ जाएगा NDPA-TFC। NDPA-TFC से हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, NNPA-TFC। तो NDPA-TFC नोन वैल्यू है, हमने राइट हैंड साइड लिखा, NNPA-TFC अननोन है जिसको हमें फाइंड करना हो, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड गया। अभी N से N कैंसिल, D से हमको किस पे जाना है, D से हमको N पे जाना है। तो D से N पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, V शेप में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो G D
एमपी। डी से नीचे से हमें कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो प्लस होता है, क्या प्लस होता है, एन एफ आई ए। तो एन एफ आई ए आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा एन एन पी एफ एफ सी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कल आपने वैल्यू एडेड मेथड किया था, वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन आप सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज आपने इनकम मेथड किया, इनकम मेथड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप सॉल्व करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, बट उससे पहले आप ये जो दो मेथड्स आपने पढ़े हैं उन दोनों मेथड से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, थैंक यू क्लास।